नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। म्यूकर माइकोसिस क्यों होता है, कोविड होने के बाद इसका इंसिडेंस अभी क्यों बढ़ गया है और किन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकर माइकोसिस है, ये जानलेवा भी है, तो इससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर PM चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी कोविड पेशेंट्स में कोविड होने के बाद, रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लैक फंगस है, इसको म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है और ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है और इसके वजह से जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकर माइकोसिस है, ये पहले भी देखने को मिलता था, खास करके जो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, जिन लोगों में ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों में ये ब्लैक फंगस देखने को मिलता था। इसके जो केसेस थे काफ़ी कम आते थे, लेकिन अभी जो कोविड के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, तो ये जो कोविड है ठीक होने के बाद या जैसे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उसमें रिकवरी चलती है, तो उस टाइम में ये जो ब्लैक फंगस है, इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और इसकी जो दवाइयाँ है, ये भी अभी मार्केट में शॉर्ट हो गई है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकर माइकोसिस जो है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, खास करके उन पेशेंट्स में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो कोविड होने के बाद क्या होता है कि इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में रही है, अगर कोविड होने के बाद आप शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो ये म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा और बढ़ जाता है। अभी क्या हो रहा है, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो कोविड है, इसमें 7 से 8 दिन से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, वो प्रिवेंट करने के लिए और इसके जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस है, उससे बचाने के लिए स्टेरॉयड्स दिए जाते हैं। तो ये जो स्टेरॉयड्स है, इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, शुगर की वैल्यूज़ बढ़ रही है, और इसके वजह से म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी म्यूकर माइकोसिस होने के बाद इसके लक्षण क्या रहते हैं? तो जो लोग अभी अभी कोविड 19 से रिकवर हो रहे हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि चेहरे की एक जो बाजू है वो सूजन आ जाती है उसमें, इसके बाद आँखों में जो है रेडनेस आ जाता है, सर दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा अगर ये इन्फेक्शन आँखों में ज़्यादा फैल गया है, तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है। अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाए, तो इसके वजह से क्या होता है कि अल्टर सेंसोरियम होता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है, ये स्पोर से होता है। जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स रहते हैं, इसको हम इनहेल करते हैं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू इन्फेक्शन होता है। ये मसलों में इन्फेक्शन हो सकता है और नाक के अंदर जो साइनसेस रहते हैं, ईयर पॉकेट्स, उसमें इन्फेक्शन होता है। वहाँ ये ब्लैक फंगस ग्रो हो जाता है और वहाँ से फिर ये आँखों में, इसके बाद लंग्स में, मैंडिबल और जबड़े जो है आजू बाजू में फैल जाता है। और ये इन्फेक्शन इतने तेज़ी से फैलता है कि कभी कभी जो अंदर के जो पार्ट्स है, जो जबड़े हैं, वो निकालने पड़ते हैं। अगर आँखों में ज़्यादा फैल गया तो ऑपरेशन करके आँखें भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही अर्ली स्टेज में करनी चाहिए। अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपके फेस में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो आप आपकी जांच करा लीजिए। और अगर ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो पार्ट में इन्फेक्शन है, उसको डेब्राइड किया जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो एक्सटेंसिव डेब्राइडमेंट करना पड़ता है, जबड़े का पार्ट निकालना पड़ता है, आँख निकालनी पड़ती है। तो इसलिए शुरू में डायग्नोसिस करेंगे तो ये जल्दी रिकवर होने के चांस रहते हैं। इसमें एंटीफंगल दवाई भी दी जाती है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, लाइपिजोमल। तो ये दवाइयाँ 10-15 दिन तक देनी पड़ती है। पेशेंट का जो इन्फेक्शन है, वो कितना है, कितनी सीवियरिटी का है, वो देख के ये डिसाइड किया जाता है। म्यूकर माइकोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए जो नेजल एंडोस्कोपी की जाती है, और उसमें जहाँ जहाँ इसके ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है, वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। इसको फिर KOH माउंट पे चेक किया जाता है, इसका कल्चर भी किया जाता है, और उसमें कंफर्म किया जाता है कि ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, और जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। दोस्तों, अभी जो ब्लैक फंगस के और ये जो म्यूकर माइकोसिस कहा जा रहा है, इसके मामले जो बढ़ रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में भी इसके लगभग 2000 केसेस आए हैं, बाकी राज्यों से भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो कोविड इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये देखने को मिल रहा है, तो इसका जो इंसिडेंस है, ये कैसे कम करें, इससे कैसे बचाव करें, इसके लिए कुछ सावधानियां हैं। जैसे अगर
आप कोविड से ठीक हो जाते हैं तो आप जो शुगर लेवल्स है आपकी डेली चेक करते रहे, आपकी शुगर लेवल्स है इसको नियंत्रण में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसको टाइटली नियंत्रण में रखना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं हमें पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन अभी शुगर बढ़ गई है, तो आपको पहले शुगर भी नहीं है तो भी आप आपकी शुगर लेवल चेक करें, क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में क्या है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और इन स्टेरॉइड्स से शुगर की लेवल है ये बढ़ जाती है। तो ये स्टेरॉइड्स भी जो है सेकंड वीक में देने चाहिए जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस रहता है, और जो माइल्ड केसेस है जिन लोगों को ज़्यादा सीरियस सिम्टम नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों में स्टेरॉइड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आईसीयू में जो ऑक्सीजन दिया जाता है, ह्यूमिडिफायर रहता है, उसमें वाटर डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो ये ह्यूमिडिफायर में जो पानी डालते हैं वो क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए आप लोगों को अच्छा डाइट लेना चाहिए, समय समय पे खाइए, अच्छा प्रोटीन डाइट लीजिए, एग्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो पल्सेस है, लेगम्स है, नट्स है, सीड्स है, इसका भी सेवन कीजिए, तो इम्यूनिटी लेवल आपकी अच्छी बनी रहेगी और जो इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का वो होने का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों अभी कोविड होने के बाद क्या होता है कि बहुत लोग मास्क अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है कि अभी मुझे एक बार कोविड हो गया है तो दोबारा कोविड नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इन लोगों में जो है जो स्पोर्स रहते हैं ये नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जा सकते हैं, ये हवा में स्पोर्स रहते हैं, मिट्टी में ब्लैक फंगस के स्पोर्स रहते हैं। नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, इसकी वजह से ये ज़्यादा हमें खतरा पैदा नहीं करते और हमारी बॉडी से लड़ लेती है। लेकिन जो अभी कोविड से अभी रिकवर हो रहे हैं उन लोगों ने मास्क जरूर पहनना चाहिए, खास करके जब बाहर निकलते हैं जहाँ धूल मिट्टी रहती है वहाँ मास्क जरूर पहनना है। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, ये जो स्पोर्स है ये आपके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और इसके अलावा अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह कर लेनी है, डायग्नोसिस करना है और इसका इलाज करना है। अगर जल्दी इलाज करें तो इसको ठीक कर सकते हैं, और इलाज में देरी हो जाए तो फिर ये ब्रेन में भी जा सकता है और इससे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई शंका है या सवाल है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।